ये क्या है भाई? हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज हम करने वाले टग ऑफ वॉर भाई, इसके बीच में नहीं, इसके साथ नहीं करवाएंगे भाई फोर्ड रैप्टर की हमारी, लेकिन इसके साथ करवाने की जरूर इच्छा है भाई। ये हमारे पास आज मौजूद है भाई बोलेरो कैंपर गोल्ड महिंद्रा का। ये यार अगर आप रूरल एरिया की बात करोगे ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है ऐसी, कमर्शियल में सबसे ज़्यादा पसंद इसको किया जाता है। रिलायबिलिटी के मामले में महिंद्रा बोलेरो सबसे ऊपर हमेशा से रही है। तो आज जरा देखते हैं भाई, अगर हम इसके पीछे जोड़ दें ये हमारी एंडेवर, तो क्या सीन रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये 4x4 है हमारी, ये नॉर्मल वाली है। कितना गो ये के हवा इसकी निकल रही है ना, चाहे वो बोलेरो हो, कैंपर हो, एंडेवर हो या फिर कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट हमको इजीली बूटमो पे मिल जाते हैं, इसलिए हम टेंशन फ्री रहते हैं। अगर आपको भी किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट चाहिए होते हो ना, कभी भी एनी टाइम एनी वेयर, तो आप बूढ़मो पे जाइए, अपनी गाड़ी डिटेल भर दीजिए और आपके घर पे बैठे बैठे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी स्पेयर पार्ट के लिए लोग ऑन टू बूढ़मो.com ओनली। तो भाई ये बड़े एक्साइटेड हैं, ये कैंपर सी इस एंडेवर के साथ क्या कर पाएगी, कितने भाई बिता रहे हैं भाई। रेंज रोवर के साथ जो आपने देखी होगी वही वाला जुगाड़ हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जो लोहे की वो रोड है जिससे टूटती नहीं है कभी भी, वही हम यूज़ करेंगे। देख लो फोर्ड रैप्टर के साथ कैंपर, नाम में इतना फील है भाई बस पूछो मत ना। अभी मैं स्पेक्स की बात करूँ तो जो हमारी फोर्ड एंडेवर है भाई, वो ये 3200 cc है। आपको पावर की पता ही है, इसके अंदर बहुत जान है भाई, 201 bhp के साथ 470 Nm का टॉर्क। वहीं जो एक कैंपर हमारी आती है भाई, इसमें इंजन cc वाइज तो देखोगे डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छी है भाई, 2500 cc का, एक मिनट भाई, 2500 cc है, लेकिन भाई इसमें पावर 75 bhp के साथ हमको केवल 200 Nm का टॉर्क मिलता है, तो करीबन 270 Nm टॉर्क कम है जितना आपको एक ह्यूंडई क्रेटा 1.4 जो टर्बो आता था या सेल्टोस का, इतनी कम है, मतलब टॉर्क इतना ज़्यादा है क्रेटा और आगे लगा दें तो उसके इक्वल बन पाएगी, लेकिन स्टिल कितना इसको रोक पाती है वो इस वीडियो में देखने वाली बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई कनेक्शन बैठ गया है, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, पहले इसमें कोई भी ट्रैक्शन वगैरह नहीं, हम नहीं भाई ऑफ मत करो इसको रहने दो, क्या है इतना जोर नहीं मारते, वो कैंपर पे थोड़ी दया काटा दिया ना पहले। हाँ तो चलो भाई रेडी हो ना भाई, ये नॉर्मल जैसी नॉर्मल रहती है, एकदम ऐसी ही रहेगी, तो चेक करते हैं जरा कौन सी अपनी जीतेगी कौन सी नहीं। 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, भाई देख रहे हो इतना टफ कॉम्पिटिशन भाई साहब, भाई साहब कोई सी इंच भर भी नहीं बढ़ पा रही है, बस 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 भाई ट्रैक्शन उसका हमने ऑफ नहीं कराया है, अगर ऑफ करते थे तो वो अब तक इसको लेके जा चुकी होती, लेकिन ट्रैक्शन ऑफ मतलब वो पीछे तो आती ही नहीं है, आगे नहीं आती तो पीछे भी नहीं आती, और यहाँ पे कैंपर ने खूब जो लगा, इसके अंदर कोई ट्रैक्शन व्रैक्शन नहीं आता भाई। इसका मेन पर्पस क्या होता है, कमर्शियल जैसे सामान वामान ढोने के लिए, किसी को जैसे 4-5 आदमी बिठा के भी लेके जाने हैं, साथ में कुछ सामान वामान भी लेके जाने, तो इसको मल्टीपल तरीके से अपना मॉडिफाई करवा सकते हो। ये गाड़ी उस तरीके की होती है, इसके अंदर भी गुड़ियर के टायर लगे हुए हैं, इसके अंदर कमानी वगैरह आती है भाई, इस तरीके का इसके अंदर सिस्टम रहता है। टायर ने जान तो खूब मारी भाई, लेकिन नहीं हो पाई कुछ भी इस तरीके का हमारी बोलेरो कैंपर का। भाई पीछे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्पेस भी ठीक रहता है अलोंग विद अपना ये। चलो अब ज़्यादा इसमें स्ट्रेस ना डाल के ना, मैं फटाफट से उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑन करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं एक तरफ आज फोर्ड एंडेवर का, अगर हम कैंपर के कंपेरिजन में बात करते हैं। निकस को ये लिटिल लिटिल यहाँ पे बड़ी आपतें होती रहती हैं टाइम टू टाइम। चलो इस बार भाई ट्रैक्शन ऑफ कर लो, ट्रैक्शन का बटन दबा के हम प्रेस करके रखते हैं, इस बाइक पास भी एंडेवर है, ऐसे करके ये नकली ट्रैक्शन ऑफ होता है इसका, हम प्रेस करके रखेंगे कई बार ये ब्लिंक करेगा, अब ये असली ट्रैक्शन इसका हो चुका है। हाँ थोड़ी बैग ले लो पहले ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है भाई, हम अगर कुछ हो जाए दिक्कत। चलो भाई रेडी, 1 2 3 गो। ओ भाई
ओ भाई असली झोटापना इसका यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई वो ही नहीं है भाई, कोई चारा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। रेस देना भाई, रेस देना। तो जब बैक गियर में लगी होगी ना तभी ये खींच के इसको लेके जा सकती है। ड्राइवर एक्सचेंज हो रहे हैं क्या? ड्राइवर चेंज हो जाओ भाई, कर लो कोई बात। ये ड्राइवर थोड़े प्रीमियम है, पीछे भर लो इसमें बंदे, पीछे इसमें वजन डालो। कैंपर में एक्चुअली होता क्या है भाई, आगे की साइड तो इसमें इंजन का वजन रहता है, पीछे कुछ वजन नहीं रहता, थोड़ा हारने का ये भी रीजन रहता है। अब इसमें भाई हमको बंदे चढ़ाते हैं, इसमें पीछे साइड वजन करवाते हैं, देखो कुछ अपना बढ़ जाता है तो आ जाओ। अरे शर्मा रहे हो यार तुम तो, आ जाओ ना, कहा को भर लो कोई नहीं, क्योंकि भाई आगे इंजन का लोड ज्यादा है, 25 सीसी का भारी भरकम इंजन लगा हुआ है। आगे, आगे। आप बैठो भाई, आपकी वजह से थोड़ा दबेगी गाड़ी पीछे से। चढ़ जा बाबू, चढ़ जा, चढ़ो चढ़ो चढ़ो, कोई बात नहीं फूट जाएगा तो। अब बैठ जाओ बैठ जाओ। इस बार देख सकते हो भाई काफी लोग बैठ चुके हैं कैंपर में, भाई अपने अकेले काफी हैं एंडेवर के साथ। भाई ट्रैक्शन वैक्शन ऑफ, ठीक है चलो भाई, पकड़ लेना एंडेवर का भी झटका मार दे। चलो एक दो तीन गो, चलो भाई चलो। अरे भाई रुका रुका, अरे नहीं गियर में नहीं है, चालू तो है। चलो चलो रुका रुका, बंद 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 बंद। क्या हो गया इसमें? हो गए स्टार्ट, करे स्टार्ट भाई, वन टू थ्री। अरे भाई कोई सा तो कुछ तो करो। ये क्या है भाई, चलो भाई यार, अब यहाँ पे भी विनर यही डिक्लेयर हमारी एंडेवर होती है। ड्राइवर अच्छा है भाई, यूट्यूब चैनल भी है दीप मार ब्लॉग, अरे ठीक है भाई साहब, आपसे बहुत दूर से भाई। क्लियर विनर हमारा फोर्ड एंडेवर रही भाई, हमारे फोर्ड रैप्टर उसके बोलेरो कैंपर के साथ। भाई ये जीतेगी भी ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा पावरफुल गाड़ी है भाई उसके सामने, लेकिन अपने पर्पस के हिसाब से भाई बोलेरो कैंपर की भी कोई होड़ नहीं, जैसे वो सामान लेके जाती है और जो वो काम परफॉर्म करती है वो अनमैचेबल है। तो ये थे भाई छोटी सी टग ऑफ वॉर बिटवीन दीज टू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।